नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। हरिद्वार में 4 दिन पहले बंद कराई गई अवैध पार्किंग धड़ल्ले से चल रही है। अवैध पार्किंग चलाने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने अधिकारियों की कार्यवाही के बाद लगाया गया बोर्ड भी उखाड़ दिया था, जिसके बाद नगर निगम ने आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि कनखल के सती घाट पर पिछले कई सालों से अवैध पार्किंग चल रही थी। 4 दिन पहले नगर निगम के अधिकारियों ने पहुंचकर पार्किंग को बंद करा दिया था। नगर निगम की कार्यवाही के बाद भी सती घाट पर अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग के पैसे वसूले जा रहे हैं। ये कहाँ से आए आप? यहाँ हरियाणा सिरसा। तो यहाँ पार्किंग में कितने पैसे देने पड़े आपको? 50 रुपये लेते हैं। इससे पहले भी आए आप कभी? हर रोज ही आते हैं हम तो। हर बार देने पड़ते हैं जी। तो आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग बंद करा दीजिए? नहीं, देखते नहीं पड़ते। कौन सी गाड़ी आपकी? इनोवा। और कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि कनखल में कुछ व्यक्ति द्वारा अवैध पार्किंग कराई जा रही है, तो उसी को तहत हम लोगों ने हमारे एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर निगम और तहसील की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और उसमें जांच की गई कि जमीन किसकी है। तो जो टीम की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो जमीन जो है नगर निगम की प्रदर्शित हुई है, तो उसी के तहत हम लोगों ने उस पार्किंग को हटा के वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था, नो पार्किंग बोर्ड। तो कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बोर्ड को हटा दिया गया था, जिसके संबंध में हमारे निर्माण विभाग है उसके द्वारा कनखल थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। पार्किंग तो बड़े लंबे समय चल रही थी इसमें। जब ये ज्ञात हुआ कि टीम की जब रिपोर्ट आएगी और जो जमीन है वो नगर निगम की है, तो उसके बाद कार्रवाई की गई। कोई राजनीतिक संगठन प्राप्त लोग हैं जो बार बार इससे गुस्सा करते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कुछ।